दोस्तों आज की वीडियो में हम रिपेयर करने जा रहे हैं एक इन्फ्रारेड कुकर को। इसमें मैं पहले आपको फॉल्ट दिखा दूं। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, यह एक बार ऑन हो जाता है। ये देखें ऑन हो चुका है। तकरीबन 4 या 5 सेकंड के बाद जहां पर E5 का एरर शो होने लगता है, E5। अगर हम फिर से इसको स्टार्ट करते हैं तो ये देखें हॉट लिखा रहा है, यानी कि इसका जो फॉल्ट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। छोटी सी वीडियो है, इसके अंदर जो फॉल्ट है वो इस सेंसर से रिलेटेड है, यानी कि ये शो कर रहा है कि ये ओवरहीट हो चुका है। और इसके बाद जो ये सेंसर है यहाँ पर आ रहा है, दोनों वायर, ये दोनों पिन सेंसर की है। उसके बाद ये सेंसर जहाँ से होता हुआ इस आईसी के ऊपर, ये वाला जो आईसी है LM358 आईसी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है, यहाँ पर इसकी इनपुट में आता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ही हो सकती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आपको ये इसका आईसी चेंज करना पड़ेगा। देखने के लिए मैंने यह चेंज किया था, फॉल्ट इसका क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद जहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस चेक की थी 1472, यानी कि 4.7K, यह वाली रेजिस्टेंस ओपन थी, SMD रेजिस्टेंस है। मैं इसको नई रेजिस्टेंस लगाने के बाद ये चेक करके देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर होता है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर यह देखें दूसरी रेजिस्टेंस लगा दी है, यह वाली वैल्यू वही है 4.7K। आप भी अगर इस तरह की कोई रेजिस्टेंस ओपन हो जिसमें कि SMD है, तो आप दूसरी रेजिस्टेंस लगा सकते हो। चलाकर देखते हैं, तो जो हमारा फॉल्ट था वो क्लियर हो चुका है। अब यह लगातार चल रहा है, कोई भी E5 का एरर यहाँ पर शो नहीं हो रहा। बिल्कुल दोस्तों छोटी सी वीडियो थी।